नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एज द नेम टेल्स यू कि स्पेशल की बात हो गई है, तो मतलब सिंपल एब्सोल्यूट और इफेक्टिव, इन तीन को छोड़कर किसी भी टाइप की मेजोरिटी अगर एग्जिस्ट करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों में हम उसे यूज करते हैं तो उसको हम स्पेशल कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक, अब ये स्पेशल का ना कोई डोमेन फिक्स नहीं है कि सिर्फ इसी को स्पेशल बोलते हैं। स्पेशल की डेफिनेशन ये है कि जो सिंपल एब्सोल्यूट और इफेक्टिव तरीकों से अलग है वो हर टाइप की मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। स्पेशल सिद्धिकांत, द आंसर इज स्पेशल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 यू नीड स्पेशल, अदरवाइज सिंपल। ओके, अब स्पेशल मेजोरिटी की फोर टाइप्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मेंशन्ड है जो हम यूज करते हैं, जो हम देखते हैं। फर्स्ट इज आर्टिकल 249 वेयर राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन। डोंट वरी व्हाट इज आर्टिकल 249। 368 अब तक सबको पता चला होगा दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कई तरह के हो सकते हैं लेकिन अगर हम उसको 368 के थ्रू कर रहे हैं तो यू विल नीड अ स्पेशल मेजोरिटी। देन अ स्पेशल मेजोरिटी अगेन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368, एंड आई टोल्ड यू कि स्टेट लेजिस्लेचर्स का रेटिफिकेशन कब चाहिए होता है, इफ द अमेंडमेंट दैट हैज बीन प्रपोज्ड इज इन सच अ मैनर दैट इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, इट विल इंफ्लुएंस और इट विल इम्पैक्ट द सेंटर एंड द स्टेट रिलेशंस और इन एनी सच मैनर, इन दैट केस ऑल्सो यू विल नीड अ स्पेशल मेजोरिटी। अब ये स्पेशल में भी स्पेशल कैसे है कि जो जितना 368 में चाहिए वो तो चाहिए ही, साथ में यू सेंड इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स सो मोर देन 50%। मतलब सपोज करो देर आर 28 स्टेट्स, तो 28 का हाफ 14 प्लस 1, जैसे ही वो 50 मतलब आधी स्टेट्स में पास हो जाएगा फिर वो मैटर नहीं करेगा कि जम्मू कश्मीर में पास हुआ है या नहीं हुआ है, विच इज नो मोर अ स्टेट रादर नाउ, कि वो राजस्थान में पास हुआ है या नहीं हुआ, कर्नाटक में हुआ कि नहीं हुआ, स्टेट मैटर नहीं करती, नंबर मैटर करता है। जैसे ही आधी स्टेट्स में वो बिल पास हो गया द बिल इज रेटिफाइड। ओके, अगर वेकेंट नहीं होंगी सीट्स तो उस केस में वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के इक्वल हो जाएगा। सिंपल, उस केस में इफेक्टिव मेजोरिटी विल बी इक्वल टू द इफेक्ट एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इट हैज बीन यूज अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस। ठीक है, ये तो मेंशनड है जो आप पढ़ रहे हो ना, एब्सोल्यूट इफेक्टिव सिंपल और स्पेशल जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो मेंशनड हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है ना, दैट इज हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड यू अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, अबाउट द वेरियस न्यू इंटरप्रिटेशंस। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी मेंशन्ड है बट स्टिल वी फॉलो इट, तो वो हम कैसे करते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, अपनी विम्स और फैंसीज पे या गवर्नमेंट को जो इजी लगा उसको यूज करके लॉ बना के पास कर लेते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस। अब कन्वेंशंस कैसे डिसाइड करते हैं? दैट वी फॉलो अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टडी करते हैं, उधर देखते हैं कि उसकी क्या डिमांड है, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द पर्पस, देन अकॉर्डिंग टू दैट द प्रोसेस इज डिसाइडेड। यस अपर्णा। एक्सक्यूज मी मैम। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई एम अनेबल टू रिलेट आर्टिकल 368 सिंपल मेजोरिटी विद द स्पेशल मेजोरिटी। ओके, लेट आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, नाउ सी, अंडरस्टैंड द पीपल हु आर कंफ्यूज्ड between the special majority under article 368 and 50% simple majority, please listen to me carefully. Suppose the center decides
सपोज करते हैं हम एक ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं कि हम स्टेट के किसी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में मूव कर रहे हैं, ये मैटर समझ आया? वी कैन डू दैट राइट, द पार्लियामेंट कैन डू दैट. वी वॉन्ट टू रिमूव अ स्टेट सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट एंड वी वॉन्ट टू मूव इट टू द कॉन्करेंट लिस्ट एंड सच एन अमेंडमेंट हैज टू बी ब्रॉट अंडर आर्टिकल 368. अब सबसे पहले ये समझो कि जब हम स्टेट की लिस्ट से किसी सब्जेक्ट को मूव करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट में तो स्टेट्स को इससे आपत्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उस सब्जेक्ट पे पहले स्टेट्स लॉ बना रहे थे और अब जब व्हेन यू आर मूव इट टू द कॉन्करेंट लिस्ट द सेंटर आल्सो गेट्स एन इक्वल पावर टू मेक लॉज ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो द स्टेट्स मे नॉट लाइक इट दैट देयर ज्यूरिसडिक्शन इज बीइंग एनक्रोच्ड एंड द सेंटर इज ट्राइंग टू बी अथॉरिटेटिव. It may happen or not. Yes, ma'am. Yes. So it will affect the federal structure because Schedule 7 में आप क्या पढ़ते हो? Federal list. वहाँ पे हम यही पढ़ते हैं ना how all the subjects are being classified under the three list. अब इस केस में जब आप इस बिल को पास कराओगे तो लोकसभा और राज्यसभा यानी सेंटर पे पार्लियामेंट में द बिल हैज टू बी पास बाय अ स्पेशल मेजोरिटी विच इज 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग. एंड अभी भी स्पेशल क्या है डोंट वरी, बस ऐसा समझो कि जब हम सेंटर पे पास कराएंगे इट हैज टू बी पास बाय अ स्पेशल मेजोरिटी. ठीक, लेकिन हमने पढ़ा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है तो हमें स्टेट्स की भी राय जाननी पड़ती है. सो व्हेन द बिल हैज बीन पास्ड इन बोथ द हाउसेस द बिल विल बी सेंट टू ऑल द स्टेट्स कि क्या कंट्री के सारे स्टेट्स इस बात से रेडी हैं कि ये सब्जेक्ट हम स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में मूव कर रहे हैं. अब यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, स्टेट्स कैसे डिसाइड करेंगे? स्टेट्स भी अपने अपने हाउसेस में वोटिंग कराएंगे और स्टेट्स के पास दोनों हाउस नहीं होते हैं, सिर्फ 8 स्टेट्स ऐसी हैं विच हैव बोथ द हाउसेस. ठीक है, जिनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है जस्ट लाइक यू हैव लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम. अदरवाइज ऑल द स्टेट्स हैव व्हाट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. अब स्टेट के पास आया है, स्टेट की राय जाननी है तो स्टेट अपने अपने हाउसेस में वोटिंग कराएगा. नाउ अंडरस्टैंड, जब स्टेट्स वोटिंग कराते हैं तो स्टेट्स के अंदर वोटिंग होती है सिंपल मेजोरिटी से. मतलब सपोज करो राजस्थान गवर्नमेंट इस बिल को लेकर आई और राजस्थान की असेंबली में रखा तो जो राजस्थान की असेंबली में वोटिंग होगी वो सिंपल से होगी, लेकिन सेंटर पे जो वोटिंग होगी वो स्पेशल होगी. अब समझ आया अपर्णा एंड रादर एवरीबॉडी, इज इट नाउ क्लियर? मैम यस मैम, मींस जब एक सेंटर की बात नहीं आएगी और जैसे हमने सिंपल मेजोरिटी में बात करी थी तो जब वो स्टेट पर आएगा तो नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी, बट वेन इट कम्स टू स्टेट और वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होके स्टेट की एसएम के लिए जाएगा तो वो एक तरीके से सिंपल मेजोरिटी कहलाएगी, स्टेट्स के लेवल पे सिंपल रहेगी. लेकिन बिल कब पास होगा? जब सारी स्टेट्स को भेजा गया, सारी स्टेट्स में से अगर 50% स्टेट्स रेटिफाइड दे से यस, सो यू वोंट हैव टू वेट फॉर द 15th स्टेट, उसके रिजल्ट जानने की भी जरूरत नहीं है. द मोमेंट 14 स्टेट्स पास इट द बिल इज सेट टू बी पास्ड, द बिल विल देन गो टू द प्रेसिडेंट. सो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट विल नॉट बी कॉल्ड थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी, इट इज अ स्पेशल मेजोरिटी. ओके मैम, गॉट इट. बिकॉज सिंपल मेजोरिटी सिर्फ स्टेट्स पे था, स्पेशल मेजोरिटी सेंटर पे था. अभी देखते हैं वो स्पेशल क्या होता है, इट इज एक्चुअली मोर देन 50%, विच इज 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग. अब 2/3 का मतलब हो गया 66%. तो हमने उसको टफ बनाया ना, आप किसी चीज की रेटिफिकेशन के लिए 50% की जगह 66% पे जा रहे हो, सो यू आर मेकिंग इट टफ.
So it shows that the particular proposed bill or an amendment is of great importance or is not very easy to be achieved. Two-third majority achieve kar pana utna simple nahi hota hai. That is why it is called special. It is tough. Okay. No. So special majority according to Article 61. Abhi don't worry about all these articles. You will get it. अब देखो ये सारे आर्टिकल्स यहाँ हैं. फर्स्ट वेयर यू रीड स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249. इट मींस स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? टू थर्ड इज 67% राउंड अबाउट 67% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड इट इज यूज्ड. कौन सा केस होता है 249 का? टू पास अ राज्यसभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट. अगर राज्यसभा को ऐसा लग रहा है कि स्टेट लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट्स अगर लॉ बनाएंगी तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उनको लग रहा है कि सेंटर को लॉ बनाना चाहिए, तो राज्यसभा पहले. और अगर सेंटर कैसे बनाए, कब बनाएगा लॉ? सेंटर पहले इस बात के लिए राज्यसभा से, राज्यसभा अपने हाउस में एक रेजोल्यूशन लेकर आएगा कि, क्योंकि राज्यसभा को आप क्या बोलते हो, हाउसेस ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है ना राज्यसभा. लोकसभा इज हाउसेस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो अगर सारी स्टेट्स मतलब 2/3 ऑफ द प्रेजिडेंट वोटिंग अगर वो पास हो जाता है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकती है. दिस इज आर्टिकल 249 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. Then you have the Article 368. So it refers to a majority of 2/3 of the present and voting, supported by over 50% of the total strength of the House. This is used for mainly Article 368. किसलिए होता है? Constitutional amendment bills के लिए, right? So passing a constitutional amendment bill which does not affect federalism, कहाँ-कहाँ पर ये use होती है? Removing judges of the Supreme Court or High Court. So judges का removal भी tough process है, again special majority. Removing CAG or Chief Election Commissioner, national emergency impose करना, ठीक है, national emergency को impose करना बहुत tough है. Because we have seen, because the emergency that India has faced, it was called the black period, the dark period of democracy. तो देखा गया था कि इमरजेंसी जिस तरह से लगाई गई थी वो अनफेयर लगा, हम उसको थोड़ा टफ बनाने के लिए अब हमने क्या कर दिया है कि इमरजेंसी को स्पेशल मेजोरिटी, टफ मेजोरिटी में डाला है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो. देन रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. पीएम के पास तो कुछ नहीं है, ये सब प्रोसेसेस हैं पार्लियामेंट के, हाउसेस के प्रोसीजरल तरीके हैं, काम कैसे होगा. स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 प्लस 50% ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन. सो दिस इज नीडेड व्हेन, ओनली व्हेन एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ट्राइज टू चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर. ये हम तब करते हैं. For example, the bill that introduced the NJAC, National Judicial Appointment Commission, it needed the support of at least 15 state legislature out of 29. पास तो कराओगे ना, बाद में साइन करेंगे, पहले तो वोटिंग होगी. स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61, सो इट रेफर्स टू द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. अब देखो यहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है. 61 क्या था आर्टिकल? इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो हमने उसको सबसे टफ रखा था, तो हमने प्रेजेंट एंड वोटिंग को हटा के भी क्या कर दिया, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. क्लियर? That is all for majority.